Hey guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. If you're new to my channel, then please take a moment to subscribe to my channel before watching this video. I'm very excited for this video. This is gonna be an Urbanic haul video. तो मैंने कुछ बॉटम वेयर्स अर्बैनिक से लिए थे बिकॉज यू नो अर्बैनिक इज हैविंग अपने 90% ऑफ सेल्स. तो मैंने भी कुछ शॉपिंग किया, कुछ शॉपिंग करने गई थी बट बहुत 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 कुछ शॉपिंग कर लिया था. सो दैट्स व्हाई आई एम एबल टू मेक दिस वीडियो. ऐसे मैंने कुछ सोच के तो नहीं रहा था, जो जो मुझे अच्छा लग रहा था, जो प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे अच्छा लग रहा था, जैसे कि वर्थ इट लग रहा था इतना प्राइस, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने लिया है. दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू बॉटम वेयर हॉल वीडियो. और इसके पहले टॉप्स एंड कॉर्ड सेट का वीडियो डाला है, तो वो भी प्लीज़ चेकआउट कर लेना. उसमें के कॉर्ड सेट मिल रहा है लाइक बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा 450 का कॉर्ड सेट है और बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, जेन्युइनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. ज़रूर देखना. अगर मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगी उसका वीडियो, मिस दैट वीडियो. अगर वो अभी भी सेल होगा, स्टॉक आउट नहीं हुआ होगा, तो प्लीज़ गो एंड ग्रैब दैट. बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे. सो इसमें जीन्स और फॉर्मल पैंट दोनों हैं और एक स्कर्ट भी है, मोमेंट स्कर्ट, तो वो भी मैंने इंक्लूड किया बिकॉज आई थॉट कि ट्रेंड में है तो क्यों नहीं देख लिया, ट्राई करने के लिए मैंने ले लिया. बट स्कर्ट काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, सो आई थॉट कि मैं भी देखती हूँ कैसा लगता है मेरे ऊपर. तो दैट्स व्हाई मैंने ट्राई करने के लिए वो भी ले लिया एंड आई होप आपको भी अच्छा लगेगा. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. सो अर्बैनिक के बॉटम वेयर्स काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझे एंड स्पेशली दे आर ड्यूप फ्रॉम हाई ब्रांड. तो मुझे काफ़ी अच्छा, मतलब हाई ब्रांड का ड्यूप मुझे काफ़ी अच्छा मिल जाता है अर्बैनिक पे. दैट्स व्हाई विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो लेट्स स्टार्ट. ज़्यादा कुछ तो नहीं है, आई थिंक ज़्यादा इतना कुछ मैंने नहीं लिया. मुझे जो नीड था वही लिया है मैंने. इतना दिखाने के लिए चक्कर में मैंने अननेसेसरी चीज़ें नहीं ली जो मैं करती हूँ, बट मैंने ये बार नहीं किया. जो मुझे ऐसा लगा कि जो मुझे चाहिए वही लिया मैंने. सो लेट्स स्टार्ट विद द डेनिम. तो फर्स्ट इज़ बेसिक, इट्स काइंड ऑफ अ मॉडर्स्ट लुक. अगर ये सारी चीज़ें, अगर आप मॉडर्स्ट फैशन फॉलो करते हो तो ये सारी चीज़ें आपके बहुत काम आएगी बिकॉज मैंने इतना ज़्यादा रिवीलिंग वाला कुछ भी नहीं लिया. सो फर्स्ट इज़ दिस डेनिम, बेसिक स्ट्रेट फिट डेनिम. मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था मॉडल के ऊपर, तो आई थॉट कि ले लेते हैं. एंड मुझे कुछ 700 रुपये का ही मिला, तो आई थॉट कि वाई नॉट टू गेट दिस. सस्ता मिला तो मैंने सोचा कि ले ही लेते हैं. एंड काफ़ी अच्छा है, मतलब एकदम थिक मटेरियल नहीं है, सॉफ्ट मटेरियल है. डेली वेयर के लिए तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कम्फर्टेबल है, मुझे तो काफ़ी कम्फर्टेबल लगा. एंड अगर कि डेनिम में वो ज़्यादा रिब्ड है, मुझे तो मैं नहीं चाहिए था, दैट्स व्हाई मैंने ये लिया. मुझे काफ़ी अच्छा लगा. द कलर इज़ नॉट लाइटर, मुझे डार्क कलर चाहिए था और मेरे पास काफ़ी ज़्यादा डार्क, काफ़ी ज़्यादा लाइट कलर है, डार्क कलर नहीं है. तो ऐसे पिंक कलर का टॉप है, वाइट कलर का टॉप है, उस पर ही काफ़ी अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है ये शेड. तो दैट्स व्हाई मैंने ये शेड लिया. मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. इसमें आ जाते हैं 4-5, दिस हैव 5 पॉकेट्स एंड जिप की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, तो भी काफ़ी अच्छा है. ज़्यादा जो इसकी शॉर्ट हाइट है उसके लिए तो ये परफेक्ट है, लाइक एम 5.4. तो अगर आपका भी हाइट मेरे इतना है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन लेंथ वाइज. और बहुत कंफर्टेबल है, बहुत हल्का भी है, बहुत मुझे अच्छा लगा. लाइक ये डेनिम क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी मुझे. सो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड. यू कैन सी पिंक को कितना कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ये कलर, और ये कलर कितना अच्छा लग रहा है देखने में साथ में. तो इसीलिए मैंने ये पर्पस के लिए ये कलर लिया बिकॉज ये बहुत अच्छा लगता है, कॉम्प्लीमेंट करता है. सो नेक्स्ट इज ब्लैक कलर. ब्लैक कलर मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए था, आई हैव, बट मेरे पास गैस का है बट वो थोड़ा फेड आउट होने लग गया है, तो इसलिए मुझे अभी और एक ब्लैक कलर का डेनिम चाहिए था. एंड ये स्ट्रेट फिट है और ये थोड़ा सा रिब्ड है पर दिखता नहीं है, ये रिब्ड है पर दिखता नहीं है. अभी ये लोग ने पता नहीं ऐसा टैग्स किए, वो बहुत इरिटेटिंग टैग्स है, लाइक सीरियसली बहुत इरिटेटिंग लगता है मुझे. द ब्लैक पैंट स्ट्रेट फिट और थोड़े से रिब्ड भी है, लाइक ऐसे ऐसे रिब्ड है, बहुत अच्छे लगते हैं. मुझे तो अच्छा लग रहा था और इतना दिख भी नहीं रहा था पहनने पे कि रिब्ड है, ऐसा इतना दिख नहीं रहा था. और इसका भी फिटिंग काफ़ी अच्छा है, एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ लिया है मैंने, जितने भी पैंट्स है सबका एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ लिया है. बट ये पैंट थोड़ा सा मुझे टाइट लग रहा था, आई थिंक मैंने थोड़ा सा वेट गेन कर लिया इसलिए, स्पेशली टमी एरिया पर, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइट लग गया था. आई थिंक एक्स्ट्रा स्मॉल से स्मॉल साइज़ पर जाने का टाइम आ गया है मुझे. सेप थोड़ा ये ज़्यादा लेंथी है बट मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका फिटिंग. ये स्ट्रेट फिट है, ज़्यादा फ्लेयर नहीं है इसमें, तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे. क्वालिटी थोड़ा सा हार्ड क्वालिटी है कंपैरेटिवली, बट आई थिंक अगर वॉश किया तो थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाएगा. जहाँ तक मुझे लगता है ये जल्दी फेड आउट नहीं होगा बिकॉज इसका अंदर का जो पार्ट है वो भी ब्लैक कलर है. सो आई थिंक सो कि ये तो फेड तो जल्दी फेड नहीं होने वाला है. एंड इसका जो रिब्ड भी किया ना, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत ऐसे रिब्ड
मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा एंड लेंथ इज़ लाइक क्वाइट डिसेंट, इतना भी ज़्यादा लेंथ नहीं है। ब्लैक, ब्लू, वाइट, ग्रे, ये सारे बेसिक कलर है, ये सब होने ही चाहिए। तो इसे मैंने ब्लैक कलर का फिर से रिस्टॉक कर लिया। मेरे पास फ्लेयर था बट मैंने ये बार थोड़ा सा स्ट्रेट फिट में जाने का सोचा, बिकॉज अभी स्ट्रेट फिट काफ़ी चल रहा है, स्ट्रेट फिट, मॉम जीन्स, ये बॉयफ्रेंड जीन्स, तो इसलिए मैंने ये स्ट्रेट फिट लिया। आई थिंक बहुत अच्छा है और इसका प्राइस कुछ 900 या समथिंग ही है। मैं मेंशन कर दूँगी यहाँ पे, स्क्रीनशॉट लगा दूँगी सारे कपड़ों का एंड साइजेस भी उसमें रहेंगे। तो ये एक्स स्मॉल साइज है, इफ़ यू वॉन्ट यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस, क्वालिटी वाइज तो काफ़ी अच्छी है। टू फॉर्मल पैंट, ये बहुत महंगा था। नेक्स्ट इज दिस फॉर्मल पैंट, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था फोटो में एंड ये कॉस्ट ये समथिंग 1990 का था और सेल में कुछ 1700 का मिल रहा था, तो मैंने लिया और मुझे कुछ 1500 या समथिंग का मिला है। मैम स्क्रीनशॉट लगा दूँगी तो आप देख लेना, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा था और ब्लैक कलर आउट ऑफ स्टॉक हो गया था तो यही एक कलर ऑप्शन था एंड लकीली मुझे मेरा साइज़ मिल रहा था तो मैंने ले लिया। बट ऐसे इसको देख के ऐसे लगता नहीं कि ये 2000 वाला चीज़ है, मुझे ऐसा लग फील होता है कि ये 2000 वाला तो बिल्कुल भी नहीं फील होता। इससे अच्छा मैंने फॉरएवर 21 का 1000 में लिया है जो मैंने मिंत्रा का हॉल डाला, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वर्थ इट था 2000, बट फिर भी मुझे 1000 रुपीज़ में मिला। आई लाइक इट मोर देन दैट, मुझे वो ज़्यादा पसंद आया इससे। बट ठीक है, अगर किसी को हल्का फुल्का पहनना पसंद है, ज़्यादा हैवी पसंद नहीं है, उनके लिए बेस्ट है। और नीचे से भी काफ़ी फ्लो भी है, एकदम फ्लेयर है। तो टॉप और ब्लेज़र भी डालोगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा एंड द क्वालिटी इज़ काफ़ी अच्छी। मैंने इसको आयन नहीं किया बिकॉज मुझे ये अभी अभी ही रिसीव हुआ था, आई थिंक मुझे सो मैंने इसको आयन नहीं किया, जैसा था आया है वैसे ही रखा था। अब जब ऑलवेज रिकमेंड करती हूँ कि बजट शॉपिंग ही करो, ज़्यादा ज़्यादा कुछ एक्सपेंसिव चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फॉर दैट अगर ये 1500-1700 का मिल रहा है तो इट्स ओके फॉर दैट प्राइस, 2000 का तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है लेने का। आई थिंक सो दैट एंड पॉकेट्स एंड ऑल सब कुछ अच्छा है, बहुत थोड़ा सा ना स्लाउची लुक देता है। टॉप पहनोगे इसके साथ ये काफ़ी अच्छा लगने वाला है। आप रेगुलर वेयर पे भी पहन सकते हो, फॉर्मल क्रॉप टॉप के साथ बहुत अच्छा लगेगा। एंड दिस इज़ फॉर शो, ये पॉकेट नहीं है, एज अ शो ही है ये। लोगों को जींस पसंद नहीं है, वो फॉर्मल पैंट काफ़ी कंफर्टेबल चीज़ें पहनना पसंद करते हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है, बिकॉज अभी डेनिम ज़्यादा नहीं पहनती, मुझे पैंट्स काफ़ी कंफर्टेबल लगते हैं। नेक्स्ट इज अवर लास्ट पीस, मोहम्मद स्कर्ट, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये मॉडल के ऊपर, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा वन टू ट्राई बिकॉज बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है ये। मैंने बहुत सारे क्रिएटर्स को देखा ये सब पहनते हुए एंड मोहम्मद स्कर्ट ना एक अच्छा सा शेप देता है, जिसको शेप है उनके बॉडी को एक अच्छा सा शेप देता है और एकदम ग्लव्स की तरह फिट होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी फिट होती है इसकी। तो ये कुछ ऐसे नॉर्मल स्कर्ट है बट फिटिंग वाइज एकदम अच्छी आती है, जस्ट दिस इज सो गुड। इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी कंफर्टेबल लगता है, एज यू कैन सी इट्स सो स्ट्रेचेबल, तो कमर पे तो काफ़ी अच्छे से फिट हो रहा था। एंड मैंने इसको थोड़ा सा जूलरी वूलरी डाल के स्टाइल किया था कॉर्सेट के साथ, काफ़ी इसको बहुत मल्टीपल वे में स्टाइल कर सकते हो, एज अ बैंडी, एज अ ऑफ शोल्डर ड्रेस भी स्टाइल कर सकते हो, बहुत चीज़ें मतलब मल्टीपल वे में स्टाइल कर सकते हो। और ये मुझे कुछ 500 रुपये का ही मिल रहा था, सो मैंने ट्राई करने के लिए ले लिया। नीचे से थोड़ा फ्लोवी ऐसे मोहम्मद स्कर्ट, मोहम्मद शेप जैसा होता है ना, वैसे ही होता है, पूरा बॉडी पे हग करेगा और नीचे से लूज रहेगा, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। ऑल्सो द मटीरियल क्वालिटी इज़ सो गुड, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, अगर ये स्टॉक आउट ना हुआ हो तो प्लीज़ ले लेना, बिकॉज मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा ये। बस यही एक कलर अवेलेबल था और ये कलर भी अच्छा लग रहा है, बहुत स्टैंड आउट कर रहा है ये कलर, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। और मॉडर्न फैशन जो फॉलो करता है वो लोग के लिए तो ये काफ़ी अच्छा है मुझे लगा। अगर जो मिनी स्कर्ट नहीं पहनते, शॉर्ट स्कर्ट नहीं पहनते, वो ये स्कर्ट तो पहन ही सकता, बहुत अच्छा है ये। सो सारे बॉटम मेरे का साइज़ एक्स स्मॉल ही लिया है मैंने, एक मैंने शॉर्ट्स भी लिया था बट अभी मुझे मिल नहीं रहा है, मुझे पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया, मैंने ट्राई करने के लिए निकाला था और आई फॉरगॉट कि मैंने कहाँ रख दिया है। और तो मैं उसको ना नेक्स्ट वीडियो में अगर मुझे मिल गया तो मैं उसमें डाल दूँगी, ताकि जिसको लेना हो, बिकॉज बारिश में शॉर्ट्स बहुत पहनते हैं लोग, शॉर्ट्स एंड ड्रेसेस ही पहनते हैं लोग। सो दैट्स वाई आई होप आपको ये छोटा सा मिनी हॉल, मिनी बॉटम वेयर हॉल अच्छा लगा होगा। अगर और भी बॉटम वेयर हॉल डाले अरबानिक के
तो आप वो जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे, कार्गो एंड ऑल सब कुछ है उसमें। तो इसमें मैंने बेसिक ही रखा है बिकॉज मुझे बेसिक ही चाहिए था ऑलरेडी, ऑल दोज थिंग आई हैव रिलेटेड। कोई भी क्यूरी हो, छोटी से छोटी क्यूरी होगी तो आप प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बोला, आई विल रिप्लाई ऑन दैट। जॉइनिंग मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ स्टे हैप्पी, बाय।